गोबर, ये गोबर उठो ना, देखो सवेरा हो गया है। अरे क्या यार, सो जाओ करके, मियाँ साहब भी जागने वाले हैं। अरे यार तूने चूड़ियां भी नहीं पहन रखी, तुमने बोला उतार दिया करो रात। तुम्हारे झुमके भी नहीं है, आए ही तुम साले कहाँ, तुम चंपा के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे, बट तुम ससुराल मौके पर आकर सारा मजा किरकिरा करती है। मौका कहीं का, मौका कहीं का, तुम्हें तो हमारी रोटी में सर रख के सो रहे, अभी को चिल्ला रहे। अच्छा बताए तुम्हें, तुम का बताओगे, हम इन जाकर बताते मेरे साहब को, कैसे हमें साथ जबरदस्ती करते हम। काम करना पड़ेगा। बोलो कहा है ना, किराना वाला कलमा सामान नहीं पहुंचाया, जाके डांट लगा के आई थी। अरे लेकिन गेट पे कौन रहेगा, तुम जा रही। अरे अरे रुको, तो भागने की लगी हुई है यार, तुम्हें सुन नहीं लिया करो, जाओ ना। अरे इधर नहीं, उधर। अरे मुंह तो धोले अब, जाओ ना प्यारे। गोबर जी इस तरह तो लेके जाइए, उसका है ना झाड़ू लगाने, बेदर्दी बिस्तरा लेके चले। के नजरों पर ठन के बाण चलाऊंगी नैनन के, आई ना सदा निहार लूं, खुद अपनी नजर उतार लूं। हमारे प्यारे दर्पण भैया झूठ ना बोलना, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, तुम्हारी सौतेली बेटी बेबी। झूठ, साफ झूठ, तुमसे हमारी कभी बर्दाश्त नहीं होती मम्मी। अच्छा तो तुम हो, और तुम फिर हमारा आईना ले ली। अरे तुम्हारा आईना, ये हमारे पति लेकर आए थे हमारी। जी नहीं, आपके पति नहीं, हमारे पापा लाए थे हमारे लिए। और तुम्हें इधर देखना, हमारी लिपस्टिक की पोतली। अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, एक लिपस्टिक तो लगाई है, और वैसे भी साहब का
यहाँ प्रताली अफसर के तलवार लटक रहे हैं हमारे गर्दन पे, लेकिन ये सब लोग है कि साला हम ही मूर्ख थे। सब लोग को इतना पैर भी लगा लगा के यहाँ ड्यूटी पे लगा, लेकिन काम के वक्त कौन नजर नहीं आता है। अरे झूलन में बताए नहीं, अरे मजिस्ट्रेट साहब का फोन आया था, बोले रहे कि कुल साहब और सिविल सर्जन को लेते पहुंचेंगे। तब तो हो गया, उस सिविल सर्जनवा को दवाई बेचने से फुर्सत मिलेगा तब ना। सर वो सब आ जाएंगे, लेकिन ये लालू ठेकेदार का क्या करे, सर वो परेशान कर रखे हैं सवेरे सवेरे। महाराज अभी उसको बोलिए चुप रहे, पहले ये मुसीबत तो टाल दीजिए। ठीक है सर, ये गड़बड़ घोटाला वाला फाइल बहुत ही ज्यादा है, अरे वो छाटने में तो बहुत ही टाइम लग जाएगा सर। हम तो कहते हैं सर जितना हो सके उतना ईमानदारी वाला फाइल है छाट कर ऑफिस में लगवा देते हैं इंस्पेक्शन खातिर। बिल्कुल सही पकड़े, हम अंदर से ही बाकी सारी फाइलें लेके आते हैं। ठीक है सर। अरे अरे लेट हो गई गवा, आइए आइए ना बाबू। सुबह सुबह दाढ़ से सीधा कर रमेश बाबू। अरे काम आ रहा है, जल्दी आइए। है ना कुछ लगा हुआ है? जी 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 उधर ही रहिए, और हाँ चप्पल निकाल कर आइए, नहीं तो पूरा रूम में धूम मारेगा। पूरे सवेरे सवेरे तो किसी इंसान का ही हो सकता है। समझे अब बकलोर की तरफ कुछ ही जाग रहे। अरे महाराज दरवाजा तो बंद कर दीजिए। आज सुबह सुबह बहुत ही बुरा खबर मिला है, लगता है नेताजी मर गए। अरे चुप कीजिए, नेताजी मर गए को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सोर्स से पता चला है कि शहर से एक हाई फाई अफसर आ रहा है यहाँ का जांच पड़ताल करने। हो गया, जरूर विदेशी ताकतों की बैठक बाजी है। कौन सी विदेशी ताकतें? आजकल हर नेता अफसर को पता है कौन सी विदेशी ताकत, एकदम से जानते छा भाई का महाराज। अच्छा अच्छा समझ गए। हो क्या रहा? जानते हैं सुबह शहर के वक्त सीआरएन को पार्क में सिनेमा करते हुए देखा, वो भी एकदम बम्बई स्टाइल में, तो उसी वक्त सबसे बनकर आभास हो गया था। श्रीमान तभी मैं सोचूं कि कल से मेरी बाइया क्यों भड़क रही है। ये देखिए याद है हमारा पैर भी कुछ गंदगी में पड़ गया था, एक मिनट में सब कुछ हटने लगा आप लोगों के साथ। छोड़िए रमेश बाबू, वो लेटर लाइए इधर। हम अपने दोस्त का लेटर पढ़ के सुनाते हैं जिससे ही मनहूस खबर मिला हो। लिखता है प्यारे बंडमरू, अरे मतलब गजेंद्र, मुख्य समाचार यह है कि केंद्र ने अज्ञात कारणों से तुम्हारे राज्य की जांच पड़ताल हेतु उच्च अधिकारों से लैस अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है। सूचना है कि तुम्हारे क्षेत्र का विशेष रूप से निरीक्षण होगा। एकदम से चुतिया के जैसे हिंदी लिखता है, पढ़े के चक्कर में मुंह में लटे आ जाए। आगे लिखा है कि निरीक्षक का टोली बहुत ही चालाक है, भेष बदलने में माहिर, भयंकर भेदी ही समझो, ये किसी भी रूप में तुम्हारे शहर पहुंच सकते हैं, भिखारी साधु कुछ भी, विश्वास नहीं करोगे, पिछली जगह तो इनमें से एक ने लौंडिया का रूप धारण कर रखा था और वहां का मेयर बिचारा ऊपर अटेम कर ऐसा फंसा कि मत पूछो, सावधान रहना नहीं तो धोखा खाओगे। परसों फिरौती वसूल ने बनारस गया था, मुन्नी बाई से मुलाकात हुई, तुमको बहुत कॉन्फिडेंशियल बात है। गजब की बात है, गजब की बात है। इस बजे तो चोरी से आएंगे, वो भी छोकरी के रूप में आएंगे, जैसे वो भीम हो और हम लोग कीचक। ये तो सरासर गुंडा है। इस छोटे से शहर में जांच करवाने का क्या मतलब है? जांच अगर करवानी है तो दिल्ली में करवाई जाए। हाँ। भी कम चोरी है क्या? और क्या? रेलवे से लेकर हवाला तक अरबों का घोटाला है, पहले उसे संभालिए साहब। हम लोगों की छोटी छोटी बातें उछालने का क्या मतलब है?
एक जस्टिस हुआ था जबरदस्ती बैकवर्ड सीट के पीछे पड़े हैं यार। इस तरह से अनुमति करने का क्या मतलब? अब ये तो सब लोग मिलकर ही सोचिए। हमें तो लगता है इसमें कोई गहरी राजनीतिक साजिश है, नहीं तो एक चोर दूसरे चोर है मतलब आप ही लोग सोचिए जरा। नेताजी भी हमसे चिढ़े हुए हमारी पॉपुलरिटी से जलते हैं। अरे वो भी कंप्लेन कर दिए होगे, याद है पिछली बार जब आपको परिसर से तोड़वाए थे आप ही पे चार लगा दिए थे ना, बोले रहे कि कटरी में 5 किलो कम है। अब वापस जाते जाते उनका वजन में बढ़ गया तो मेहमान का दोष है। आए भाई शहर का लोग भी बहुत चिढ़ गया सर, लगता है कि इसने कंप्लेन उम्प्लेन भिजवाया। हमें तो लगता है इसमें विरोधी पार्टी मुछिंदर लाल का हाथ है। अच्छा रस साले मुछिंदर, जब लड़कपत की जब हो जाएगा ना तब आओगे ठीक है तुम्हें हमारे पास। सब बाद में देखा जाएगा ना। देखिए आप सब लोग ठहरे सरकारी नौकर, इस इंस्पेक्शन से आप ही पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा है कि ना? अभी तो जनता के प्रतिनिधि ना। हाँ भाई हमको क्या डर होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों की भलाई के लिए हमने एक योजना बनाई। आप लोग फौरन अपना अपना विभाग सुधारिए और हाँ कागज पत्र ठीक तरह से दुरुस्त करवाइए। अरे झुलनवा, अरे चाय है कि बिरबल का खिचड़ी है, लाओ साला जल्दी। मालकिनी का सैंडल खोज रहे हैं मालिक। अरे सार गधा यहाँ पर पड़ा है, हाँ कर ले जा। ये एक पैर का सैंडल यहाँ है सर। दूसरे से का ब्रेनवा जो है ना बाद में लगाइए, पहले अपना सुन लीजिए। सबसे कंडा भाला जो है ना आप ही का है, पर ताले हम सब देख लिया तो सीधे नसबंदी कर दे। जितना जो नर्स स्मार्ट बॉय मरीज है सबको एक लाइन से खड़ा करके नहावाइए और साफ सुथरा कपड़ा वपड़ा पहनवाइए और अस्पताल का तरीका बढ़िया से सफाई फाई करवाइए। जितना भी सुअर कुत्ता घूमता रहता है ना वार्ड में उसका पकड़वा के शहर से बाहर छोड़वाइए। पर मेरा तो सुझाव है जी, पर क्यों ना हम इनके हॉस्पिटल को जानवरों का हॉस्पिटल बना दें, किसी को पता भी लगेगा। देखिए हमारी तरफ से चिंता मत करिए, थोड़ा कम बोलिए। देखिए पहले ना पूरा मैटर समझ लीजिए, अब से लेकर इंस्पेक्शन तक तो दवाइयां बेचना बंद। और हाँ जितना जो पानी वाला इंजेक्शन और चौक वाला टेबलेट है ना सब फेंकवाइए और अस्पताल का कागज पत्र वही खाता ठीक तरह से भरवा दीजिए। ओ बल्कि मेरी भी हाथ जोड़ के लिखती है जी टोटे सारे आगे कि इनको ना डॉक्टर की जंजीर से लगाकर वही खाते भरने का काम सौंप दिया जाए। वो एक तो उनकी हैंडराइटिंग अधिकारी का प्यो भी समझ नहीं पाएगा। नहीं तो वाला अफसर समझ जाएगा कि डॉक्टर को कुछ नहीं बुझाता है। हॉस्पिटल पर एक्सपर्ट कमेंट देने के बजाय आप अपने कचहरी के बारे में चिंता करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्या समझे? देखिए ज्यादा उड़िए मत, कचहरी के एक कमरा में आपका उसाला का बेटा नंबर या लॉटरी का टिकट बेचता है और दूसरा कमरा में आपका उच्चम चा पैसे का खटाल चलाता है। अभी कोई बात हुई पशुपालन घोटाला में खुद भी फंसोगे तो सालों सारे भरवाओगे। बिल्कुल अदालत का भी कोई कायदा होता ही नहीं। लो जी इसमें कायदे की क्या बात है, इशू तो वैसे भी पॉलिटिकली सेंसिटिव है। प्राइवेट पार्टी करवाए तो जुआ और गवर्नमेंट करवाए तो लॉटरी। वाह देखिए संगठन बाबू, गवर्नमेंट ना जरा ऊपर की चीज होती है, जुआ हो शराब खाना हो या नचनिया का नाच उनके लिए सब जायज है। देखिए भाई ये लॉटरी वाले में ना प्रॉब्लम है, ससुराल का मामला है, भाई को कौन समझाएगा? जहाँ अधिकारी को दूर से दिखा देंगे आप कह दीजिएगा टाइम पेपर बिक रहा है। टाइम पेपर बिक रहा है, वाह क्या बात है। और जरा रंग ढंग भी सुधारिए अपना, बहुत गहरा गोता मारने लगे हैं। आपकी बात तो समझ में नहीं आई,
वो ये कोई कानून का नियम नहीं है जी, जो आपकी समझ से परे है। सिद्धि जी का अपने भ्रष्टाचार पर रोक लगाए। आपका मतलब है मैं रिश्वत लेता हूँ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर किसी ने दो एक बोतल दे भी दी तो भ्रष्टाचार हो गया। गिफ्ट एक्सेप्ट करना तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कायदा है साहब। अरे अंग्रेजों के कर छूल, इसे भी एक तरह का भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा, समझे? वहां पर वहां है, हमारे हिसाब से भ्रष्टाचार उसे कहते हैं तो दो कोड़ी के लोग जनप्रतिनिधि बनकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेते और ऐसा आलिशान बंगलों में रहने लगते। ये सब समाजवादी भाषण झाड़कर भी आप अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाइएगा संकटा बाबू। देखिए मैं हर बात में आपकी चमचागिरी नहीं कर सकता। वो कितने चले यार। देखिए कोई मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बात तो आपकी सही है वैसे, लेकिन जी मेरी आपसे विनती है वो इन छोटी मोटी बातों से गुस्से में ना आए और अपने काम धंधे पर पूरा ध्यान दे। संकटा बाबू इतने आओ यार, बैठो, तुम्हारा कर दियो यार, बैठो मेरे साथ। ज्यादा सीख मत दीजिए, अपना होश है आपको। अपनी तरफ हो गए भाई, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो सबका चंगा जी। क्या घंटा चंगा, एक को शिक्षक नजर आता है। इसमें हमारा क्या दोष है? कुछ तो आपकी चुनाव के चक्कर में आकर ना लड़ाई में घायल हो गए और कुछ फरार है, और जो कुछ विरोधी पार्टी के साथ संबंध रखते थे ना उनको आपने जेल भिजवा रखा है। बात करते हो बक-बक कम कीजिए। देखिए आप सब लोग ना आपस में झगड़ना बंद कीजिए, उपाय सोचते हैं, पर तब तक कम से कम स्टूडेंट लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि पड़ताली अफसरों के आने से पहले बम पिस्तौल लाना बंद करें विद्यालय में। बाल बाल बाफी उबरी कटवा कर थोड़ा सभ्य दिखने का प्रयास करें। और छत का मरम्मत कराइए, ऐसा ना उसके सामने ही ढा जाए। और उसको शौचालय से लेके वो प्रिंसिपल वा के कमरे तक जितना भी गंदा गंदा बात दीवार पे लिखा है ना तुरंत पहुंचा देना। गंदी बातें गंदे चित्र। जी जी जी, क्या हाल है आपकी स्कूल का? अगर पुचाड़े की बातें पूरी तरह नहीं छिपे ना तो ऊपर से जबरे के फॉर्मूले या ज्योमेट्री के फिगर लिखवा डालिए, आगे फटी रहेगी सजरेगी। दूर फटे नू। अरे चुप रहिए आप सब। पर हाँ ये भी कह सकते हैं कि स्कूल छुट्टियों पर यहाँ का यही करता है। बिल्कुल, और ये भी तो कह सकते हैं कि स्कूल इंस्पेक्टर मिस जूली के ऊपर शिमला में रिसर्च कर रहा रहेगा। और जिनके खुद के घर शिष्य होते हैं ना वो दूसरे पर पत्थर नहीं मारा करते। इसलिए कहते हैं कि आपस में झगड़ना बंद कीजिए, पड़ताली अफसरों के आने से पहले अपना अपना डिपार्टमेंट सुधार कीजिए। अरे जाइए ना, इतना काहे फट रहे महाराज, जाइए ना। कौन 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 क्या कर रहे हैं, जाके देखिए। कौन? हमें पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर इतना लेट पोस्ट। अरे खबर पता चल गया ना जी, सुबह सुबह चिलमची मियां से पता चला है। जहाज के बारे में आपका आइडिया भी क्या कहता है, कहिए। निश्चित रूप से इसमें अमेरिका खास है। किसी जनता ने लिखित रूप से कंप्लेन कर दिया रहेगा, हो सकता है, लेकिन हम किसी से नहीं डरते। वो अलग बात है कि इतना बड़ा अफसर के नाम से थोड़ा घबराहट तो नेचुरल बात है। घबराहट है सर, जबान से सेल्फ बात स्लिप कर जाती है। कम से कम अपने जबान से तो बिल्कुल स्लिप मत होने दीजिएगा। देखिए बॉस मास्टर साहब, हम सब के हक में ये जरूरी है शहर से बाहर जाने वाला हर लेटर आप खोल कर देखे, उनमें हम लोगों के खिलाफ अगर कोई भी कम्प्लेन उम्प्लेन दिखे ना तो अग्निदेव के हवाले कर दीजिएगा। ये कौन भारी बात है जी, कितना मन आया हमें टुबला आपको बड़ा ही नहीं, तो हम सब जानते हैं। चिट्ठी खोल कर पढ़ना अपनी पुरानी आदत है ये साहब। अरे कोई ऐसा चिट्ठी तो नहीं रखी जिसमें इस खतरा का जिक्र हो? याद तो नहीं आता मेयर साहब, लेकिन आपके विरोधी मुचिंदर लाल एक चिट्ठी मिली है। हाँ, बनारस के किसी मुन्नी बाई के नाम पे। हाँ हाँ, नमकीन चिट्ठी पढ़ना चाहिए। मुन्नी भाई का चिट्ठी मिला नहीं कि दौड़ लगा दिए इधर को। अरे बाकी सब चिट्ठी पढ़े? नहीं सर, पढ़े तो नहीं। अरे तो जाके पढ़िए ना, जाइए।
ऐसे ही राज्य में बहुत लोग जलते हैं हमसे। वो तो है। सुनिए जरा जी, कुछ भी ऐसा हो तो तुरंत बताइएगा हमको। हाँ हाँ पोस्ट पोस्ट जाइए। अरे महाराज जरा दरवाजा बंद कर दीजिएगा। कौन है जी मुन्नी भाई? अरे चिलमचिम यार लोटा प्रसाद है। अरे पीक पीक कर तो बुझ मत करो तो क्या? हाँ आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ है? अरे बड़ी बुरी खबर है मेयर साहब, अब भगवान के लिए समय बर्बाद मत कीजिए। हो गया क्या? अरे उठा लो उड़ावे, नहीं पूछिए तो बेहतर होगा। अरे हुआ क्या? अरे पूछिए कहाँ नहीं हुआ? अरे बचा ही क्या है? सवेरे कुछ ऐसी घटना घटी कि हमें ऐसे ही घर से निकलना पड़ा और फिर कुछ घटनाओं के बाद हम दोनों घर पर आ जाएगा। अब टीढ़े टीढ़े क्यों नहीं कहते कि हम तुमको अपना फाइव स्टार लेके पहुंचे? देखिए हम जब भी बोलना शुरू करते हैं आप बच्चे बीच में कूद जाते हैं। भाई आपके बताने का तरीका बिल्कुल बचकाना है। लेकिन हम भूल जाते हैं जब सेठ दमड़ी लाल की जबान बीबी अपने ड्राइवर के चुप कर तमाशा बना रखा है यहाँ पे। शुक्रिया मेरा साहब। तो साहिबान हम शुरू से सुनाते अगले सुबह आपसे बरतारी अफसर की खतरनाक खबर सुनकर हमने पोस्ट मास्टर को खबरदार किया। बताए तो होंगे आपको, फिर हम वो कोटवास आपको बताने गए तो किएगा मत। लेकिन वो किसी मामले से निपटकर सो रहे। जब हम वापस आ रहे थे तो देखा दूर से एक बिनबंगा हमें रुकने का इशारा कर रहा है। बड़ी नाजुक हालत थी उसकी। बहरहाल हम रुक गए और जब नजदीक पहुंचे तो देखा अरे गुट्टा डोडा भी तो पंडित डोडा पटा रहे। हमने कहा भैया ये क्या हाल बना रखा है? तो इन्होंने खुलासा किया कि सुबह सुबह बीवी से हटा पाई नहीं और जनाब हमारी एक पिटाई पर बहुत झूम रहे हैं और आप जो चार चार से पिटते हैं सो याद नहीं। अरे गुट्टा डोडा बे टोके मत, अभी आपसे पिटा रहे हैं बाप। बाप रे बाप, हम तो पागल हो जाएंगे। गुट्टा डोडा बे टिप भी टोकने लगे। अरे और कुत्ता दौड़ा ना तो करता ना टिप देंगे आगे क्या का बता। ये खोई दीजिए ना मैडम करते हैं आप लोग। अरे गुट्टा जरा दम तो ले रहे। लोटा प्रसाद, लोटा प्रसाद घरेलू हादसे का शिकार होकर घर से भूख के पैसे निकले, इनकी हालत पर तरस खाकर हमने लंच के लिए उन्हें फाइव स्टार लिए गए। इन्होंने खाना शुरू ही किया था कि हम गाड़ी थे। अरे ये हसीना आए हाय हाय उसको कुत्ता रोड़ा बे। आदमी है और दो लंबे चौड़े रोकदार नौजवान जींस की पतलून और काला चश्मा पहने भाई आप लगातार टोक रहे हैं। हाँ तो एक हसीना और दो लंबे चौड़े रोकदार नौजवान हमें बड़े गौर से देख रहे थे जैसे कोई गहरी बात काट रहे हो। हमने लोटा प्रसाद से कहा कि हमको लगता यही है। हम लोग दौड़े दौड़े मैनेजर के पास गए और तीनों के बारे में पूछा। अरे कुत्ता लोटा में बोला दिल्ली से आया डॉक्टर से गए शक्ति मिजाज जब बात कर पर बिगड़ना न सारा रहने का पैसा देते न खाने का सुधार खाते में जा रहा है। लेकिन यह सुनकर तो मेयर साहब मैं तो उछल ही पड़ा। मैंने फौरन लोटा प्रसाद से कहा कि भाई लोटा अरे मिल गए यही है तो भेज बदल कर रह रहे। अरे बाबा कौन मिल गया? अजी कमाल करते आप लोग मिल गए आप दिल्ली से आए हुए जांच अधिकारी टीम। नहीं नहीं वो नहीं हो सकता, वो कहाँ से होगा साहब? अरे वही है हजूर। अरे जरा बात की नब्ज पकड़िए, होटल में मुफ्त खोली ऊपर से सीना जोरी, ये खसूसियत बड़े अफसरों की होती है जनाब। और उनमें से कोई एक सारा ऐसी पहली निगाह से हमको देखा था। ओह हो कुत्ता डोला बे वल्ला। उन्होंने तो फिर भगवान ही पार लगाए। कमरा नंबर भी पता की है? ना नंबर नीचे से डाय जाकर फिन भाई वो सब धराई थी। कितने दिनों से रह रहे हो? दो हफ्ते से। दो हफ्ते में तो बहुत लापरवाही से काम हुआ है।
वो इसी दो हफ्ते में तो श्रीमान अपने ट्रेजरी से 50,000 निकाल कर और शेयर खरीदे थे। अरे फैमिली का दबाव था, खुशी से नहीं खरीदे थे। काफी गुदगुदा दबा रहा होगा। ज्यादा भचर भचर मत कीजिए, समझे? इस बीच हलवाई संघ वाले पिलाई थे टी शर्ट देगा थे, ससुरों को इसी समय देना था। कौन सा है? तो वो है जब आप लोग चावा पी रहे थे। अरे भाई क्या कर रहे हैं? भीगर पीट मिटा रहे हुजूर। अरे हम तो कहते हैं सर्वों को बंधवा के गौशाला में ही धरवा देते हैं। हमारी मानिए तो हम लोगों को तुरंत गुलदस्ते वगैरह लेकर अफसर जी के होटल जाना चाहिए। नहीं नहीं हम अकेले जाते हैं, आप लोग मूरत जी से बात कर दीजिएगा, मटर में बिगड़ जाएगा। अरे सर आप आता है सर। अरे हम ना जाते हैं, मूरत को तो भेजते हैं, महेंद्र बाबू को भेजते हैं ना सर। अरे वे छोट क्या कर लेगा, उनका टेम्परमेंट जरा अलग है आपसे, वो फटाक से बोतल उतार लेते हैं सामने वाले। ठीक है आप उन्हीं को भेजो, अक्षय बाबू को भेजना सही रहेगा। झूलन महेंद्र बाबू कहाँ है? अभी अभी सो के उठे छोटे माली। एक काम करो, चाहे छोड़ रहने दो, ड्राइवर को बोलो जाके गाड़ी निकाले जाओ। बेबी जी और मालिनी जी लेके ब्यूटी पार्लर चले गए हैं। कपार फोड़ ले, सब लोग दौड़ आ गया है, दौड़ के जाके परीक्षा पकड़ जाओ जाओ। गोबर सिंह को बोल दिया रिक्शा लाने के लिए, एक कप प्लेट समेट के ले जाओ, अजय गोर में छुपा दो, ले जाओ। दरवाजे कोतवाल साहब खड़े हैं। हाँ ले जाओ। अरे आ जाइए महाराज, आ जाइए। मेयर साहब नमस्कार। सवेरा हो गया? वो कहा है ना साहब, रात भरे वो केस निपटा रहे थे, आप तो बताइए। खबर है पड़ताली अफसर आ गए। पहुंच गए? जी पहुंच गए, और आपको खबर तक नहीं है। अपने खुफिया विभाग को बुला के गाली दीजिए, साला सब मार खा गया, खाली मोटा रहा है सब। ये तो भारी प्रॉब्लम हो गया। एक काम कीजिए, शहर में बढ़िया बढ़िया सिपाही छाट के तैनात करा दीजिए। और हाँ ध्यान रहे, आपके ऐसा बॉडी बिल्डर बिल्कुल ना, समझ रहे ना? अरे हाँ, अरे महाराज 50,000 घट रहा है, आज ये सुन लीजिएगा। एक घंटा सुनिए, कभी नहा लिया कीजिए, स्टेशन रोड जैसा गमक रहा है। अरे वो कहा है ना हुजूर, नहाते तो रोज है, पर वो कहा है कि हमारे मोहल्ले में पीने का पानी और सीवर का मेला एक ही लाइन से आता जाता रहता है। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये सब तो काम आता है सफाई अधिकारी के अंडर में, और वो सब आते हैं आपके अंडर में, अब बताइए क्या कर सकते हैं हम। अरे तो इनसे पूछिए बड़ी बात है, ये तो पटना में सारों शाजमा जा रहा है। अच्छा ठीक है, अब जाइए जाइए। चले जाए चल। ठीक है ये लोटा जी, महेंद्र बाबू के साथ जाओ, और हाँ उसको समझा देना कि होशियार रहे, वहाँ ना वो लड़की के देश में लड़का भी है। हमको घर ही जाना है, हम कर लेंगे। एक रिक्शा में कोई आदमी अटेगा? अरे वो रिक्शा हारने वाले के साथ चल लेंगे। दिमाग का पेच कसवाई पागल कहीं का। बेटा बड़ा टैक्यूलर बना बेटा का, बेटा परस्त कहीं का।